शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी, बिल टेबल हो गया है लोकसभा में, महिला आरक्षण बिल लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, अब जब टेबल हो गया है क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, टेबल हुआ है उस बात की खुशी है, 30 साल की लड़ाई है, 2010 में राज्यसभा में पास हुआ था, लोकसभा में अटकलें आई थी, नहीं हुआ था। हमारे जब राजीव गांधी जी सिंगल पार्टी मेजोरिटी थी, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट में महिलाओं को अधिकार दिए थे। इतनी सालों की लड़ाई है, बहुमत वाली सरकार है, 9.5 साल बाद इस बिल को लाई है, पर दुर्भाग्य इस बात का है कि अगर आप वो बिल पढ़ेंगे तो उस बिल में बहुत स्पष्ट ही 2024 में लागू नहीं होने वाला है। अब इसमें ये कंडीशन लगाई गई है, जब तक ये डीलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं होता है, सेंसस के नए आंकड़े लागू नहीं होते हैं, तब तक ये रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। तो दुख इस बात का है कि आपने दरवाज़ा तो खोल दिया, चर्चा तो शुरू कर दी, पर सही मायने में 2029 से पहले तो फिलहाल खुशी नहीं है कि नए भवन में, संसद के नए भवन में पहले ही दिन ये बिल टेबल हुआ, उसकी कोई खास खुशी नहीं है। खुशी बिल्कुल है, जैसे मैंने कहा 30 साल की लड़ाई लड़ी है, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज लड़ी है, बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने चिट्ठियां लिखी हैं, सरकार से अनुरोध किया है कि बहुत साल बाद एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी आई है, आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा है, आप उसको लाइए, हम लोग सब उसका समर्थन करेंगे। शिवसेना हमेशा से इसके समर्थन में है, पर सवाल ये है कि जो लोग अपने खुद के एमपीज को बचाव करते हैं, जो महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं, हमारी महिला रेसलर्स या आज हमारा रेसलिंग फेडरेशन विदाउट इंडियन ट्राइकलर खेलेगा, तो क्या सही मायने में बिल्कुल आप लोग समर्थन देंगे? बिल्कुल देंगे, अगर वो हर तरीके से महिलाओं के लिए इमीडिएटली लागू हो।